कपकपाती ठंड में गर्मा गर्म चाट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिया खुशी। कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेके आई हूँ अनदर फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, फ्लेवरसम है, मज़ा आ जाएगा, एंजॉय कीजिएगा। और बताइएगा ये कहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे मैंने सफ़ेद मटर को अच्छे से वॉश करके 6 से 7 घंटे तक पानी में सोख करके रख लिया है और फिर से इसे वॉश कर लिया है। अब इसे मैं हम बॉईल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ इस जिससे कि अच्छे से सोख हो जाए। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हल्दी इसके साथ इसे अच्छे से बॉईल करना है। इसे बॉईल कर लेते हैं और आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं पैटीज़ की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बॉयल्ड आलूओं को ग्रेट कर लिया है और इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, बिल्कुल सिंपल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हो ऐड करना है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये है पोहा, जिसे ड्राई रोस्ट करके पाउडर कर लिया, ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि सब कुछ मिल जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम पैटीज तैयार करेंगे। तो हाथों को ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और इस तरह पैटीज बना लेंगे हम। अपने पसंद के साइज़ का बना लीजिए, छोटे छोटे बना रही हूँ मैं, आप अपने पसंद का साइज़ का इस तरह से आप थोड़े मोटे मोटे से पैटीज को बना के तैयार कर लेना है और बहुत आराम से बन जाएगा ये पैटीज। तो चलिए पैटीज़ को बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे पैटीज़ को तैयार कर लिया है और अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये सैलो फ्राई ही होता है, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, पर सैलो फ्राई ही किया जाता है इसे। तो बस इसे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, मीडियम टू लो हीट पे करेंगे, जिससे ये इस पे जो बाहर का कवर है, इसका आउटर कवर, उस पर थोड़ा क्रस्ट आ जाए, थोड़ा क्रिस्प हो जाए, इस ना करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे। तो इसे हम कुक करते हैं। पहले एक साइड से जब कलर आ जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, तो फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया और कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो चलिए इसे क्रिस्प होने देते हैं, यहाँ रगड़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़े से ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें जीरा और हींग का तड़का दे देंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल कर जाएगा, इसमें प्याज अदरक लहसुन थोड़े थोड़े से अमाउंट में है, उसे फ्राई कर लेना है। एक छोटा टमाटर फ्राई करेंगे साथ में, हल्का मसाला, बिल्कुल हल्का करना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल सिंपल रखना है इसलिए बिल्कुल थोड़े थोड़े से मसाले, ऑथेंटिक टेस्ट आलू का और रगड़ा का होना चाहिए इसलिए मसाले बहुत कम। और ये बॉइल्ड रगड़ा ये ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब क्रश करेंगे। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस, और ये क्रश कर लेना है सही यूँ, हल्का हल्का, ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, थोड़ा दाने भी होने चाहिए इसमें। और इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट बाद। ये देखिए कुछ इस तरह हो गया है, बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म रगड़ा भी तैयार, साथ में हमारे इधर क्रिस्प आलू भी, पैटीज भी तैयार है। इसे असेंबल करते हैं। तो मैंने यूँ पहले प्लेट्स में रगड़ा को निकाल लिया है, इसके ऊपर ये गर्मा गर्म क्रिस्प पैटीज को डालिए, मज़ा आ रहा है ना। फिर इस पे हम हरी चटनी डालेंगे, फ्रेश हरी चटनी बनाइए, चटपटा चटनी, यही इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे चटनी। तो हरी चटनी डालिए, फिर इस पे खजूर इमली की चटनी ऐड करिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद है। काला नमक स्प्रिंकल कीजिए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए, धनिया पत्ता डालिए, अपने पसंद से इसे कस्टमाइज़ कीजिए, इसे पेश कीजिए, इंजॉय कीजिए। काला नमक, चाट मसाला, भुना जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अगर आप हरी मिर्च को पसंद करते हैं तो फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च भी डालिए, मज़ा आ जाएगा। सारे मसाले ऐड करने के बाद और थोड़े से प्याज डालती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर ने कहा थोड़ा प्याज बढ़ा दो। और अब यहाँ नारियल सेव, आप अपने पसंद का कोई भी फरसान डाल सकते हैं। और तैयार है, चलिए इंजॉय करते हैं।
चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऊपर से गर्मा गर्म चाट के ऊपर थोड़े से पापड़ी भी डाल लीजिए, चिप्स डाल लीजिए और तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपको बताना है ये कहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है, आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, टैग करें चाट लवर्स को। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंजॉय कीजिए, फिर मिलूंगी नए रेसिपी के साथ। टिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।